हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। इसमें मैं आपको आज क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन गिवन फिगर। तो यहां पे हमारे पास क्या बात की गई है, सबसे पहले एक जो है वुडन आर्टिकल है, कौन से शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, उसके दोनों तरफ से, सिलेंडर के दोनों तरफ से, जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, दोनों तरफ से हमने एक जो है हेमिस्फीयर निकाला, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से हेमिस्फीयर निकाला। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो उसका हमें जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसमें सिलेंडर की हाइट, टोटल जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, और जिसमें रेडियस इस बार गिवन है, डायमीटर नहीं है, ध्यान रखना है अपने, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्या क्या इन्फॉर्मेशन बनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि सिलेंडर की रेडियस हमें गिवन है, तो उसी के अंदर से हमने एक हेमिस्फीयर भी निकाला है, तो दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम होगी। तो वही लिखा देखिए, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल होगी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयरिकल पार्ट के, और वो है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हाइट बताई गई है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन थी कि उसकी हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है। तो इसके हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या क्या लगेगा इसके अंदर, सबसे पहले एक सिलेंडर का पार्ट जो हमें गिवन है, तो उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, ठीक है, इसी तरह से प्लस, उसमें प्लस करेंगे क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयरिकल पार्ट। तो उसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयरिकल पार्ट लगाएंगे, तो हेमिस्फीयर उसमें कितने थे, दो निकाले थे हमने, देखिए एक नीचे से एक ऊपर की तरफ से, दो निकाले थे, तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, इसी तरह से अब इनके फॉर्मूला को हमने यहाँ पे लिखना है, 2πRH किसका फॉर्मूला होता है, सिलेंडर का कर्व्ड सर्फेस एरिया में, कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो गया, 2πRH प्लस करेंगे 2 इंटू कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयरिकल पार्ट 2πR², ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, 2π को 2π रहने दिया, R की और H की वैल्यू यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दी, 3.5 × 10, 3.5 क्या थी, रेडियस यानी कि R, हाइट यानी कि H 10 था, तो वो कर दिया, प्लस 2 × 2π को एक बार ऐसे रहने दिया, R² R क्या था, 3.5, तो 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो इनको सॉल्व करते हैं, 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 35 आएगा, 35 को 2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70π आ गया, इसी तरह से 2 को 2π से मल्टीप्लाई किया 4π हुआ, 4π को मल्टीप्लाई करनी है 3.5 के स्क्वायर से, 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 35 का स्क्वायर 1225, यानी कि 1225 होता है, तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पे हमारे पास 12.25 आ गया। इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 49 आ जाएगा, यानी कि 49π आ गया। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, 70π प्लस 49π कितना होता है, 119π। अब इनको सॉल्व करेंगे, 119 को मल्टीप्लाई करना है 22/7 से, पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, 7 के टेबल पे 119 17 पे आएगा, 17 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 374। तो देखिए 119π आया था, उसको सॉल्व करा था, तो हमारे पास 17 × 22 आया, उसको मल्टीप्लाई करते ही 374 आ गया, यानी कि सेंटीमीटर स्केयर गाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए था, तो इसीलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्केयर लगा, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारे पास जो है यूनिट गिवन थी। तो इस तरह से यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।